ट्रैक पे जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही है आप देखिए तो वो रेड होता जाएगा। हम सबसे पहले तो हम लोग सेफ्टी कैटेगरी से आते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों अभी हम हैं गेट नंबर 7 पे, जिसको सबसे बिजी गेट कहा जाता है, और यहां पे भी एक स्टेशन मास्टर हैं जो लाइन को बनाते हैं, मतलब रेलगाड़ी का परिचालन करते हैं। तो मैं आज उनसे जाता हूं, उनके काम को समझने की कोशिश करते हैं, क्या काम करते हैं, कितने घंटे की ड्यूटी होती है और क्या डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है। ये देखो केबिन है, यहाँ पे ये लोग काम करते हैं। यहाँ पे 3 लोगों का आप देख सकते हो, एक स्टेशन मास्टर हैं जो लाइन बनाते हैं कहाँ जाना है कैसे जाना है, एक गेटमैन है जो जिनका काम रहता है गेट बंद करना, गेट खोलना, लोगों से डील करना, और एक है पॉइंटमैन जो कभी कोई पटरी पॉइंट काम नहीं कर रही है पटरी चेंज करने में, तो आप देखोगे बहुत सारे पॉइंट वहाँ रखे हुए हैं, दिखाता हूँ, वो उसको बनाते हैं पटरी पे जाके, तो ये एक बैकअप के रूप में रखे जाते हैं। दोस्तों भारतीय रेल में स्टेशन मास्टर का एक अहम रोल होता है। आप यूँ समझें कि स्टेशन का जो बॉस होता है वो स्टेशन मास्टर ही होता है। कौन सी गाड़ी के लिए कब रेड सिग्नल होगा, येल्लो सिग्नल होगा, ग्रीन सिग्नल होगा, गाड़ी कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगी, समय से आएगी और समय पर डिपार्ट करना, ये सारा कुछ स्टेशन मास्टर का ही काम होता है। और ये काम इतना जिम्मेदारी भरा हुआ है कि इसमें अगर एक भी गलती हो गई तो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है, हजारों लोगों की जान जा सकती है, रेलवे को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। स्टेशन मास्टर को पैसेंजर ट्रेन के साथ साथ गुड्स ट्रेन का भी देख रेख करना पड़ता है। आप जो ये ट्रैक देख रहे होंगे, ये ट्रेन गुजर रही है और ये अभी कौन से पटरी पर जाएगी, ये सारा कुछ इस पैनल के थ्रू ही होता है। ट्रेन का सिग्नल कब रेड होगा, कब ग्रीन होगा, कब येल्लो होगा, ये सब कुछ इस पैनल से ही डिसाइड होता है। इनका काम भी सेफ्टी रिलेटेड काम है। कभी कभी इनको लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि गेट बंद रहती है, लोग चिल्लाते रहते हैं, लेकिन इनको गाड़ी का भी परिचालन करना होता है और लोगों का भी ध्यान रखना पड़ता है। इनको आजू बाजू के स्टेशन से कम्युनिकेट करके गाड़ी का, कौन सी गाड़ी अभी गुजरने वाली है, सब कुछ रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना पड़ता है, और गेटमैन को ये निर्देश देना पड़ता है अभी गेट बंद करना है, अभी गेट खोलना है। तो आप समझ सकते हो इनका काम कितना जिम्मेवारी भरा हुआ है। हमने स्टेशन मास्टर से बात की, लेकिन वो बात करने में थोड़ा संकोच कर रहे थे, तो उन्होंने जो कुछ भी बताया मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। आपके जॉब में कितनी डिफिकल्टीज है, आपको डे टू डे लाइफ में क्या प्रेशर फील करना पड़ता है उसके बारे में? सबसे पहले तो हम लोग सेफ्टी कैटेगरी से आते हैं, तो हमें सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि हमें पब्लिक का भी ध्यान रखना पड़ता है और गाड़ी का मूवमेंट भी सेफली होना चाहिए, सेफ साइड हम लोग पूरा वो देखते हैं कि कहीं भी कोई भी गलती हमसे ना हो। आपको हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है, चौकन्ना रहना पड़ता है और एक्टिव एकदम पंक्चुअल, कोई भी चीज़ में ऐसा नहीं कि हम कुछ चीज़ ऐसा कर दें कि नहीं इसको इग्नोर करके चलना है, नहीं बिल्कुल हमें पंक्चुअल रहना है, पूरे अटेंटिव रहना है, बस ऐसा ध्यान। और ये जो लाइट इसमें जो दिख रही है उसका सिग्नल से इंटर, जैसे ये मैं रेड देख रहा हूँ, यहाँ येल्लो देख रहा हूँ, ये क्या है कि रूट, अगर जैसे कि हम जैसे यहाँ से सिग्नल, अभी क्या है कि बैक हम किसी इंजन को उतार रहे हैं अभी लाइन नंबर 9 में जी, ठीक है, तो इसमें क्या है कि जैसे ही हम इसको दबाएंगे रूट लेंगे तो येल्लो हो जाएगा, और ट्रैक पे जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही है आप देखिए तो वो रेड होता जाएगा, तो हमें पता चलता है कि हमारी गाड़ी आ रही है। जैसे ये गाड़ी अभी लाइन संख्या 2 में, लाइन नंबर 2 में इन कर रही है, तो देखिए जैसे जैसे बढ़ रहा है तो ट्रैक पे वो रेड होता जा रहा है और ये येल्लो रेड होता जाएगा। जैसे ही हम रूट लेते हैं तो देखिए सारा पॉइंट इंटरलॉक हो जाता है, लॉक हो जाता है, जिससे कि कोई भी दुर्घटना के चांसेस। अच्छा, ये अभी आगे बढ़ेगा और ये रेड हो जाएगा। और सर आपके कितने घंटे की ड्यूटी रहती है? 8 घंटे की ड्यूटी है और शिफ्ट वाइज रहती है, शिफ्ट वाइज नाइट भी करना पड़ता है, इवनिंग भी करना पड़ता है और मॉर्निंग, मतलब डे और इवनिंग और नाइट।
और जब लॉकडाउन हुआ था, जब बंद हो गई थी, तब भी आप लोग काम? तो भी हमें एक दिन भी की छुट्टी और ऐसा कुछ नहीं कि हमें मतलब कम आना है या ज़्यादा आना, ऐसा कुछ नहीं, हमें अपना काम करना पड़ा। ये जो लाइन संख्या 10, 11 और 12 जी, ये तीनों का जो सिग्नल ओवरलैप है जी, वो हमारा इस गेट के बाद 120 मीटर का होता है सिग्नल ओवरलैप, जो कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से रखा जाता है। ये ज़रूरी है कि अगर कोई भी, मान लीजिए सिग्नल के बाद कोई भी इंजन या कोई भी ट्रेन ओवरशूट करता है, तो उसके सेफ्टी के लिए कि कोई दुर्घटना ना हो, इसके वजह से रखा जाता है, जिसके वजह से हमें ये बंद रखना, गेट बंद होगा तभी उधर का होम डाउन होगा। ओके, ठीक है। और ये जो ट्रैक आप बता रहे हैं, इसी से सब चीज़ ऑपरेट होता है? नहीं, ये जो गेट बंद हो रहा है ज़्यादा देर तक बंद होने की, हाँ, वो इसी से है। और सब में गेट बंद होगा तभी हमारा सिग्नल आएगा। अच्छा। अगर गेट इंटरलॉक होता है, वो सिग्नल से हमारा गेट इंटरलॉक होता है, जब गेट बंद होगा तभी यहाँ से स्टार्टर सिग्नल भी आएगा। गेट बंद नहीं होगा तो वो स्टार्टर सिग्नल जाएगा या नहीं आएगा? और जो ज़्यादा देर तक आप बता रहे हैं हॉर्न बजता रहता है, वो 10, 11, 12 नंबर उसका सिग्नल ओवरलैप जो है वो आगे तक है, जिसकी वजह से अगर यहाँ गेट बंद होगा तभी होम डाउन होगा जी। और सब लाइन में क्या है, गेट बंद होगा तो स्टार्टर आएगा, क्योंकि सारा गेट से इंटरलॉक है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब जरूरी है, जिसकी वजह से ऐसा किया गया है। अच्छा, अभी आप क्या किए सर? जाके नहीं खुल रहा, सेंटिंग हो रहा है, जब तक ये गाड़ी ये गेट नंबर से पावर को निकालना है। अच्छा, जब गाड़ी की और ये है उसका कट करना है, यहां से भी निकाला जा रहा है बाहर, सर को ये पार किया पहले से, जैसे ही क्लियर होता है यहां से ये चाबी उसको दे देते हैं। अच्छा, और ये लाइन बना हुआ, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, इस तरह से लाइन लगा हुआ। सबसे ज्यादा डिफिकल्टीज लाइन 10, 11, 12 इसमें गेट के पर्पस से, गेट इसमें बंद रहता है, गेट इसमें बंद रहता है, जिसकी वजह से लोग परेशान हो जाते हैं। अच्छा, वो क्या है सर उधर जो है, इससे क्या होता है? ये लाइन क्लियर लेने के लिए है, टेघड़ा जो गाड़ी भेजते हैं ना हम जी, ये टेघड़ा से आ रही है अप एंड डाउन उसके लिए। और इस फोन से क्या काम करते हैं? फोन से अपना कम्युनिकेशन के लिए जो भी है, सब बिजी मेल हुआ, ये पैनल हुआ। दोस्तों, अगर मैं इनके सैलरी की बात करूं, अभी जो लेटेस्ट इनका जो है 7th पे कमीशन के अनुसार, इनका बेसिक सैलरी 35,700 की बनती है, और इनको कुछ अलाउंसेज मिलते हैं, नाइट में अगर ड्यूटी करोगे तो इनको कुछ नाइट अलाउंस मिलता है, और HRA वगैरह लेके इनको अगर आप स्टार्टिंग में स्टेशन मास्टर की नौकरी ज्वाइन करते हो तो बेसिक HRA और अलाउंसेज वगैरह अगर मिला के कहा जाए तो 40,000 to 45,000 रुपीज़ इनकी भी मिलती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करना, चैनल पे आ ही गए हो तो कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्द ही किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।